पाषाण काल क्या है? देखो, इंसान जब धरती पे आया, धरती पे थोड़ा सा अकल आया उसके पास, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। हम लोग क्या देखेंगे? स्टोन एज यानी पाषाण काल। समझिएगा, ये पाषाण काल है क्या? हिंदी में से बोलते हैं पाषाण यानी पत्थर, पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। क्या है भाई ये? वो टाइम पीरियड जब जो मानव थे, इंसान जो थे, वो केवल पत्थरों पर जीवित थे, पत्थरों को फॉलो कर रहे थे, पत्थरों में रह रहे थे, उस काल को बोलते हैं। अमन जय हिंद, आदित्य जय हिंद, किशन शिवानी, जय कुणाल, जय हिंद एवरीबॉडी। गाइस, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। समझिएगा, पाषाण काल क्या है? देखो, इंसान जब धरती पे आया, धरती पे थोड़ा सा अकल आया उसके पास, तो सोचा क्या करें, तो चाहिए था खाना, फूड। तो फूड जो था वो पेड़ पे लगा हुआ था। किस पर? पेड़ पे लगा हुआ, पेड़ पे फ्रूट लगा हुआ है, तो मिलेगा भाई कैसे फ्रूट? उसके लिए तोड़ने पड़ेंगे। तो इंसानों ने क्या किया, पत्थर उठाया और फेंक के मारा, फल जो है टूट के गिर गया, फ्रूट आ गया। तो बोले, पत्थर बड़ा काम का है भाई, फ्रूट मुझे मिल गया, इसकी वजह से भोजन मिल गया। फिर क्या हुआ, इंसान जा रहा था, कोई जानवर जो है, मान लो शेर जो है, किसी इंसान को दौड़ा दिया, भागा, लेकिन कितना दूर भागेगा, शेर से तेज तो नहीं भाग पाएगा। तब फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस मानव ने, उस इंसान ने क्या किया, पत्थर उठाया और शेर को फेंक के मारा, शेर के सर पे लग गया चोट, शेर वहीं पर बेहोश होकर मर गया, इंसान का जन्म बच गया। तो इंसान को समझ में आ गया, ये बड़े काम का चीज है ये जो पत्थर है, हमें भोजन भी देता है, हमें सेफ्टी भी देता है, सिक्योरिटी भी देता, सारी चीज मुहैया कराता है। तो इंसानों ने बोला, ऐसा बात है तो ऐसा करते हैं, पत्थरों को साथ ले चलते हैं, और इंसानों का यानी ह्यूमन बींग का स्टोन के साथ हो गया दोस्ती, और यही टाइम पीरियड जब इंसान पत्थरों पर आधारित था वही कहलाता है स्टोन एज। और आज हम सभी उसी स्टोन एज को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कवर करेंगे। देखो, नेक्स्ट समझिएगा, इस स्टोन एज को अगर हम लोग देखें तो, या स्टोन एज से अलग इंटायर हिस्ट्री को देखें तो, हिस्ट्री को, तो पूरे के पूरे इतिहास को, पूरे के पूरे हिस्ट्री को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? इंडियन हिस्ट्री अगर बात करें तो, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, मेडाइवल इंडिया हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ये जो एंशिएंट है ये भी तीन भाग में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा? तो पहला होगा हमारा प्री हिस्टोरिक एरा, प्री हिस्टोरिक एरा। दूसरा अपना होगा प्रोटो हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और तीसरा होगा हिस्टोरिक एरा। देखो, ये तीनों एंशिएंट के डिवीजन है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एरा में क्या था, अपने पास कुछ भी लिखा हुआ एविडेंस नहीं था। प्री हिस्टोरिक एरा में जो भी मिला हमें स्टोन के रूप में मिला है, हमें पेंटिंग के रूप में मिला है, इस तरह से चीजें मिली हैं। इसलिए यहां पर कुछ भी रिटेन में नहीं है, इसलिए प्री हिस्टोरिक एरा को ही स्टोन एज ही बोला जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक एरा में लिखा हुआ तो मिला है लेकिन अनरीडेबल, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी एविडेंस मिले हैं वो आज तक अनरीडेबल है। और तीसरा, हिस्टोरिक एरा में जो हमें मिला है वो पढ़े जा सकते हो ऐसे हो, जैसे वैदिक एज तो इसी में आ जाता है एक्सेप्शन के तौर पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ वैदिक एज इसी में आ जाता है। जैसे इसमें आप बोल सकते हैं बौद्ध एज, बौद्धिज्म का एज, जैन का एज,
या गुप्ताओं का पीरियड, मौर्यों का पीरियड, ये सब हिस्टोरिक एरा में आएगा। तो चूंकि हम लोग स्टोन एज देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक एरा को पहले। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस सबों का? कमेंट कर दीजिएगा, यहां तक सबों का क्लियर? हाँ बिल्कुल कुणाल, स्टोन वेपन हम लोग देखेंगे, यहां तक सबों का क्लियर है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। वो जो अपना प्री हिस्टोरिक एरा है, प्री हिस्टोरिक एरा, ये भी भाई तीन भाग में बढ़ेगा। कौन कौन सा? पहला होगा पैलोलिथिक एज यानी पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा अपना मध्य पाषाण काल या मेजोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल यानी नियो लिथिक एज। ये तीन हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक एरा में। पहला अपना पैलोलिथिक एज कब से कब तक है? तो इसका टाइम शुरू होता है 5 लाख यानी 5 लाख से लेकर के, 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक। उस तरह से मेजोलिथिक एज का होगा 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 5,500 बिफोर क्राइस्ट तक, और नियोलिथिक का होगा 5,500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक। ये कुछ इस तरीके से टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे डिटेल्स में की करके। तो चलो देखते हैं। पहला है अपना पैलोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक एज यानी पूरा यानी पुराना, पूरा पाषाण काल यानी पुराने पत्थरों का ये काल है, पुराना पत्थर, ओल्ड स्टोन, काफी पुराना। तो इसे हम लोग बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज, पुराने पत्थरों का काल, क्योंकि ये सबसे पुराना, जब से इंसान स्टार्ट हुआ तब से लेकर है। इस टाइम पे हम सभी क्या थे? ट्रेवलर, बहुत घूमते थे। क्यों? इसे आप ऐसे समझो, कुछ मान लो कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो वहां पर सेब खा लिया, सेब खत्म हो गया, वो आ गया कहां? घूमते घूमते भोजन की तलाश में अलाहाबाद। अमरूद खा लिया, अमरूद खत्म हो गया, घूमते घूमते आ गया पटना। केला खा लिया, केला खत्म हो गया, घूमते घूमते चल गया मुजफ्फरपुर। लीची खा लिया, लीची खत्म हो गया, घूमते घूमते चल गया वापस से अलाहाबाद। अलाहाबाद में फिर अमरूद खाया, फिर जम्मू कश्मीर में जाकर सेब खाया। तो इस तरीके से ये घूम रहा है, घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? भोजन की तलाश में। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, ओल्ड स्टोन एज है, इस टाइम पीरियड लोग भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इसी कारण से इस एज में इंसान दो ही काम किया, या तो वो फूड गैदरिंग किया, या तो वो हंटिंग किया, या तो दोनों किया, यानी हंटिंग मतलब शिकार करना। इसी टाइम पीरियड में फायर यानी आग ढूंढा जा चुका था, आग के बारे में हमें पता चल चुका था। और नॉर्मली लोग जो है हमेशा कोशिश करते थे या तो रिवर साइड रहे या तो माउंटेन के साइड में रहे, और अगर दोनों एक साथ मिल गया तो उनके लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि नदियों के किनारे होने का फायदा था, उन्हें पानी मिल जाता था, आराम से पानी पी लेंगे। नदियों के किनारे पेड़ होगा, पेड़ में जानवर आएंगे शिकार पानी पीने के लिए, यानी पेड़ होंगे पेड़ से फल मिल जाएगा। नदियों के पानी का पीने के लिए जानवर आएंगे, जानवरों का शिकार कर लिया जाएगा। तीसरा फायदा क्या होगा कि चूंकि बगल में अगर पहाड़ है तो पहाड़ पे होते थे पत्थर, और पत्थर हम इंसानों के सबसे गहरे मित्र बने, स्टार्टिंग पीरियड में सबसे गहरे मित्र बने। इनफैक्ट आज भी ये लोग पत्थरों की पूजा भी करते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट कलर चल गया, नेक्स्ट देखो।
सवाल है कि कहां कहां से इंडिया में इसके बारे में मिलता है। तो इसके बारे में जो सबसे फेमस है पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल का, वो है भीम बेद का। और ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फेमस है भीमबेद का मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा समझिएगा भीमबेद का क्यों इतना अधिक फेमस है वो समझो। ये जो मिला हमें मध्य प्रदेश में, ये केव है यानी गुफा, यहां पर लोग रहा करते थे। इस केव में हमें पेंटिंग भी मिल गया। क्या मिल गया? पेंटिंग भी मिल गया। इसी केव में हमें और क्या मिला, तो हमें जानवर के हड्डी मिले हैं, बोन्स। इस पेंटिंग से हमें उस वक्त के सोसाइटी के बारे में पता चला। तो ये सारी चीज हमें फायदे यहां पर मिले। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या, पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल भी तीन भाग में बटेगा। पहला लोअर पैलोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलोलिथिक एज और तीसरा अपर पैलोलिथिक एज। लोअर पैलोलिथिक एज क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के, बिगिनिंग से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक यानी बिफोर क्राइस्ट तक। मिडिल में क्या है, 1,00,000 बिफोर क्राइस्ट से 40,000 बिफोर क्राइस्ट तक। और अपर जो है ये यही 40,000 बिफोर क्राइस्ट से शुरू होकर के चलेगा 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक। ये रिदम समझ में आया सबको? ये बता ये किस तरीके से है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अब देखो क्या होता है इन सबों के बाद। तो पहले हम लोग देखेंगे यहां पर लोअर पैलोलिथिक एज, लोअर लोअर पैलोलिथिक एज। ये जो अपना लोअर पैलोलिथिक एज है, सबसे स्टार्टिंग यानी पैलोलिथिक एज का भी जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, टाइम पीरियड है, वही है ये। आदित्य नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, उसे मैं लास्ट में फिर से रिव्यू कर दूंगा। आइदर इसका मैं एक चार्ट दे दूंगा, ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया उनका, उनको एक मैं चार्ट दे दूंगा, चार्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज चार्ट बनाना था वो रह गया है, या ऐसा करते हैं समझो, मैं बता देता हूँ, रुक जा थोड़ा सा टाइम दो, मैं चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, सब वो क्लियर हो जाएगा, चार्ट में बना दे रहा हूं। देखो पहले ये देखो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, ठीक है, इसे हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री, एक मिनट थोड़ा पतला करने को तब दिखा पाएगा, हिस्टोरिक एरा। फिर ये होगा प्रोटो हिस्टोरिक एरा, और ये जो लास्ट वाला होगा ये होगा आपका हिस्टोरिक एरा। अब देखो ये जो प्री हिस्टोरिक एरा है, ये भी बाबू तीन भाग में बढ़ जाएगा। कौन कौन सा? पहला देखो, पहला कहलाएगा पूरा पाषाण काल। एक मिनट रुकिएगा, कुछ ज्यादा ही पतला। पूरा पाषाण काल यानी एज, पैलियोलिथिक एज। फिर होगा मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक एज। निम्न पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ये पैलियोलिथिक एज भी
तीन भाग में बटेगा, कौन कौन सा तो समझो जरा सा। पहला होगा लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा होगा अपर पैलियोलिथिक एज, तीसरा होगा सॉरी लोअर के बाद मिड होगा तब ना अपर होगा, वेट ए मिनट, लोअर के बाद मिड होगा तब अपर होगा, मिड और ये अपर। अब बताइएगा आप क्लियर है, ये बताना अब क्लियर है पूरा का पूरा। प्री हिस्टोरिक एरा जहां पर हमें एविडेंस मिले थे स्टोन के रूप में, यहां पर हमें लिखा हुआ थोड़ा बहुत मिला लेकिन अनरीडेबल, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर रीडेबल जैसे मोरियन टाइम पीरियड, मोरियन एज, यहां पर स्टोन एज बोल लो। स्टोन एज तीन भाग में बटा पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में क्या था कि यहां पर लोग ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन इसे भी हम लोग तीन भाग में बांट दिए। ये पैलियोलिथिक मान लो ये लाइन है, इसी लाइन का नाम है पैलियोलिथिक, तो एक दो तीन भाग में बांट दिए। ये पहला वाला हो गया लोअर, ये हो गया मिड और ये हो गया अपर, समझे बात। चलिए अब आई थिंक सब क्लियर होगा, चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो हम लोग थे यहाँ पर, हम लोग थे लोअर पैलियोलिथिक एज में, तो लोअर पैलियोलिथिक एज पहले पहुंच गए। देखो लोअर पैलियोलिथिक एज जो है सबसे ओल्डेस्ट है, यहां पर हमें क्या मिला पेबल्स, पेबल्स मतलब पत्थर, और वो पत्थर मिले थे बड़े बड़े साइज के, ठीक है, वो जो पत्थर मिले थे वो बड़े बड़े साइज के मिले थे। तो बड़े बड़े साइज के मिलने से हमें ये समझ में आ गया उस वक्त के इंसानों का आकार साइज भी बड़ा बड़ा हुआ करता होगा। पेबल्स मेनली मिलते हैं और कहां से, तो ये मिले हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तान में भी कहां पर सोहन रिवर के पास। दूसरा और कहां से मिल रहा, तो हमें मिल रहा ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जहां पर है भीमबेटका। और तीसरा है उत्तर प्रदेश में जहां पर है बेलन घाटी। ये सारे चीज हमें मिल रहे हैं, ये लोअर पैलियोलिथिक एज हो गया। यहां पर बस इतना ही याद रखना कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन मिला हमें बड़े बड़े साइज का मिले, लेकिन इसके बाद जो मिडिल पैलियोलिथिक एज आया, मिडिल पैलियोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, यहां पर स्टोन पतले होने लगे इस तरीके से, कुछ पतले होने लगे कुछ इस तरीके से दिखते हैं नोखिले टाइप के, क्योंकि यहां पर लोग अब कोर फलक या ब्लेड जैसे उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे चर्बियों को छीलने के लिए, छाल को उतारने के लिए। उस तरह से एक आता है अपना लास्टली वाला अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक एज में उपकरण के साइज इस तरह छोटे छोटे हो गए, जैसे आज सुई होता ना उस साइज का, चाकू के साइज का हो गया, क्योंकि इंसान अब छोटे छोटे कामों में आने लगे। दूसरा इंसान का साइज भी डेवलप चेंज हुआ है। अगर आप देखो लोअर पैलियोलिथिक एज के लोग, तो उनका साइज काफी बड़ा बड़ा होता था, काफी लंबे चौड़े होते थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोगों का साइज थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम, और अपर पैलियोलिथिक एज जो आया वहां पर इंसानों का साइज और भी छोटा हो गया, समझे बात, यानी हमारे जैसे बन गए इस अपर पैलियोलिथिक एज में। क्लियर है सबों का? बताइएगा सबों का क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग अब डायरेक्ट पहुंचेंगे मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, कहां पहुंचेंगे जिसको मेजोलिथिक एज भी बोलते हैं, मेजोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल यहां पर क्या हुआ,
देखो आपको मैं एक सिनारियो बताता हूँ, एक टाइम लाइन आपको याद रहेगा। सीधा याद रखना, पेलोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज तीन है। पेलोलिथिक एज में क्या हो रहा था, इंसान फूड गैदरर थे, फूड गैदरिंग करते थे और हंटिंग करते थे। यहां पर क्या हुआ, इंसान फूड गैदरिंग भी कर रहा था, हंटिंग भी कर रहा था और एक नया चीज स्टार्ट किया, वो था एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल पशुपालन। और तीसरा है नियोलिथिक एज, यहां पर क्या हो रहा, एक दो तीन, इसके साथ साथ नया स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर। नया क्या स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर। और यहीं पर से आज के मानव का शुरुआत होता है, हमारे और आपके जैसे लोगों का शुरुआत होता है यहीं पर से, इस नियोलिथिक एज से। तो उसे समझने के पहले जरा मेजोलिथिक एज देख लें क्या है इसमें। तो मेजोलिथिक एज के टाइम पीरियड में क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगा, क्लाइमेट में चेंजेस आ गया, क्लाइमेट चेंज होने लगा, गर्मी बढ़ने लगा। हाँ कुणाल अच्छा जान रहे हो, आगे देखो। दूसरा, लोग हंटिंग करने लगे थे, हंटिंग तो शुरू से कर रहे थे लेकिन उसके साथ एक नया चीज स्टार्ट किए। क्या, लोगों को समझ में आने लगा कि ना ये जो हम लोग हंटिंग करते हैं, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं, अगर पेड़ में फल नहीं मिला तो जानवरों को मार के खा जाएंगे। तो इंसानों ने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया यहां पर, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ एक और नया चीज यहां पर शुरू होता है, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, ये वो टाइम पीरियड है जिस वक्त इंसानों के हथियार का साइज सबसे छोटा हो चुका था, माइक्रो लेवल पर हो चुका था, बहुत ही छोटा हो चुका था। इस टाइम पीरियड का एक इंपॉर्टेंट साइट हमें राजस्थान में दिखता है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में हमें मिला पेड़ लगाने का, वृक्ष को लगाने का, पेड़ को लगाने का, प्लांटेशन का सबसे पुराना एविडेंस, प्लांटेशन का सबसे पुराना एविडेंस अगर कहीं पर है तो राजस्थान में मिलता है। उसके अलावा इस टाइम के लोग हमें यूपी, वेस्ट बंगाल, बहुत जगह मिलते हैं, जो कि डिटेल्स में आपको करवा दिया जाएगा आगे क्लास में। यहां पर हम लोग एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा, लोग यहां पर शिकार तो कर रहे थे, लोग रह रहे थे, लेकिन आपस में एक चीज यहां पर मेजोलिथिक में जो पता चला, बहुत जो बहुत मजेदार लगता है जानने के लिए, कि यहां पर हमें एक स्केलेटन मिला, स्केलेटन यानी कंकाल, मरा हुआ व्यक्ति का कंकाल जो होता है ना स्केलेटन, और उस स्केलेटन में वॉर का एविडेंस हमें मिलता है, वॉर। और ये वॉर शब्द अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वॉर तभी होगा जब इमोशन होगा, इमोशन तभी होगा जब फीलिंग होगा, और ये सारे चीज तभी होंगे जब आप एक समुदाय में रहे, एक ग्रुप में रहे, है ना, एक ग्रुप में रहे। अकेले रहोगे तो वार तो होगा नहीं कभी, आप अपने में, ग्रुप में रहोगे तभी होगा। इसका मतलब, और ये फीलिंग या इमोशन के लिए एक चीज और जरूरी चीज है, वो है दिमाग होना, आपके पास माइंड होना चाहिए, सोचने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा तो आप सोच नहीं पाओगे, और जब सोच ही नहीं पाओगे तो ना ही फीलिंग ना ही इमोशन। इसका मतलब इस टाइम पीरियड तक लोगों में दिमाग का विकास हो गया था, लोगों में दिमाग आने लगा था, बुद्धि आने लगा था, अकल का दांत टूट चुका था, यानी अकल आना शुरू हो गया था। इसका हमें एविडेंस कहां मिलता है, इस मेजोलिथिक एज का, तो मिलता है भीम वेदका में, भीम वेदका, भीम वेदका जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर हमें मेजोलिथिक और पेलोलिथिक दोनों टाइम पीरियड के लोगों के एविडेंस मिलते हैं। अब आता है तीसरा, जिसको हम लोग बोलेंगे नियोलिथिक एज। यहां पर क्या हुआ,
जो इक्विपमेंट्स थे उसके साइज फिर से थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से बड़े, ज्यादा नहीं। लेकिन यूनिक चीज क्या मिला, पॉलिश क्या हुआ। आप देखो, आप एक ही सामान को पिछले 10 सालों से इस्तेमाल कर रहे हो, आपको मन करेगा उसे संभाल के रखें, पॉलिश करके रखें, अच्छे से रखें, मन करेगा अच्छा करेगा ना। बस यही, इस टाइम पीरियड तक लोग अब उस अपने इक्विपमेंट्स को, अपने औजार को, हथियार को पॉलिश करना शुरू कर दिए थे। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें लोग एग्रीकल्चर करने लगे। अब देखो, जब तक इंसान एनिमल हस्बेंड्री, जब तक इंसान फूड गैदरिंग कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, तब तक घूम रहे थे। लेकिन जब इंसान एनिमल हस्बेंड्री करने लगा तो थोड़ा सा रुका, थामा थोड़ा सा। लेकिन जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो उसके पैर जम गए एक जगह पर, क्योंकि खेत को उठा के आप कहीं भी नहीं ले जा सकते, है ना। क्या आप अपने खेत को, फील्ड को उठा के ले जा सकते हो कहीं भी? नहीं, वो तो एज एडिज फिक्स रहेगा। और जब एक इंसान रुका तो उसके साथ और भी रुक गए, और भी रुक गए। इस तरह से कारवा बनता गया और इस तरीके से एक परिवार बना, फैमिली, परिवार से गांव बना यानी विलेज, गांव से टाउन बना, टाउन से शहर बना जो कि उस वक्त जनपद कहलाया, फिर उससे डिस्ट्रिक्ट बना जो कि महाजनपद कहलाया, और इस तरह से राष्ट्र का निर्माण हुआ। समझे बात? ये टोटल सिनारियो है, पूरा इसका एक रिदम है। तो यहां पर सबसे एडवांस लोग हमें मिलते हैं नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में। तो बेहतर होगा पहले हम लोग नियोलिथिक एज देखें। नियोलिथिक एज में इंसान के सारे चीजों को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। पहला है सोशल, उसका सामाजिक स्तर कैसा था, सामाजिक स्तर कैसा था। इस एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। और क्या खेती कर रहे थे भाई? तो पहला तो सरप्लस में खेती नहीं कर रहे थे, कंज्यूम एबल खेती कर रहे थे, यानी केवल खुद के लिए। और क्या ग्रो कर रहे थे? तो रागी। सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस राजस्थान में ही मिला। वो प्लांटेशन है शिवानी, एग्रीकल्चर कहां मिला आपको मैं बता रहा हूं, वेट ए मिनट, पेशेंस रखो। सबसे पहले लोग रागी ग्रो किए, रागी का खेती किए। और रागी कहां पर उगाए? तो ये उगाए हैं मेहरगढ़ में, मेहरगढ़। दूसरा, चूंकि यहां पर खेती करें कि यहां पर खेत हुआ, खेत होगा तो आवास भी होगा, तो यहां पर वो रहने भी लगे, यानी होम स्वीट होम भी हो गया उनका। दूसरा, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ एक और चीज कर रहे थे, क्या? तो वो कर रहे थे, कपड़े बना रहे थे, क्लोथ। क्लोथ बनाने के लिए हमें चाहिए कॉटन, यानी कि कॉटन का भी एग्रीकल्चर हुआ, कॉटन का भी एग्रीकल्चर हुआ होगा। दूसरा, इसी टाइम पीरियड में अगर समाज को देखें तो लोग सोने चांदी के पीछे उस वक्त भी दीवाने थे। लोग सोने को महत्व देते थे, महंगा समझते थे, अच्छा समझते थे। बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल कर रहे थे, चाक यानी पहिए, पहिए से बर्तन बनाया जा रहा था। समझ रहे बात? चाक का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे बर्तन बना रहे थे। और जो बर्तन बना वो पॉलिश किया हुआ बना, तो कहलाया क्या? पॉलिश्ड ग्रे वेयर्स, PGW, ब्लैक ग्रे वेयर्स, काला मृदभांड, ऐसा भी एक बना। फिर एक बना केवल और केवल ग्रे कलर का, ग्रे वेयर्स, वेयर्स यानी बर्तन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग बर्तनों का निर्माण किए। आप है ना, खेती कर ली है, बर्तन बना लिए हैं, कपड़ा भी बना लिए, करेंगे क्या उसका? तो उसका इकोनॉमी में इस्तेमाल, इकोनॉमी। लेकिन इनका जो इकोनॉमी था वो करेंसी नहीं था, क्या था? बार्टर सिस्टम। इनका जो इकोनॉमी था वो करेंसी ना होकर के बार्टर सिस्टम था, करेंसी ना होकर के बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज पॉलिसी, सामान के बदले सामान। जैसे कुणाल ने क्या किया, कुणाल के पास था मान लो 10 केजी
व्हीट यानी गेहूं, 10 में 100 कर देते हैं, ठीक है। और शिवानी के पास था एक बकड़ा गोट, कुणाल को खाना था मटन, तो कुणाल क्या किया, शिवानी से डील किया कि तुम मुझे अपना गोट यानी बकरा दे दो, मैं तुम्हें गेहूं दे दूंगा। शिवानी को गेहूं का जरूरत था, एग्री हो गया। लेकिन अब स्कीम ऐसा है, कुणाल के पास 100 केजी गेहूं तो है, शिवानी के पास गोट यानी बकरा तो है, कुणाल को चाहिए क्या, कुणाल को चाहिए गोट। लेकिन समस्या है शिवानी के साथ, शिवानी को वीट नहीं चाहिए, शिवानी को राइस चाहिए। राइस कहां से मिलेगा, तो मान लेते हैं कि राइस मिला अमन के पास से, अमन के पास था राइस 100 केजी, इसके पास भी राइस। अब कैसे होगा, अमन जो है शिवानी को राइस देने को रेडी हो गई और शिवानी जो है इसे गोट देने को रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इसे भी चाहिए था भैया गोट, अब अमन के साथ डील किया जा सकता है, हो सकता है कि अमन मान जाए, कुणाल का बात मान ले कि हाँ तुम मुझे अपना बकरा दे दो, मैं तुम्हें अब 100 किलो गेहूं दे दूंगा, ऐसा डील हो सकता है, लेकिन चांस कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, डबल को इंसिडेंट होना जरूरी, डबल को इंसिडेंट होना जरूरी होता था, यानी दोनों पक्ष एक्स और वाई दोनों का डिमांड एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी होगा, तभी हो पाएगा। समझे सभी पूरे कहानी को, कमेंट कीजिएगा सारा कहानी समझ में आया, इकोनॉमी सिस्टम का। रागी एक तरह का फसल होता है, दूसरा इस टाइम पीरियड में एक्सचेंज हो रहा था, दूसरा सोसाइटी जो था वो पितृसत्तात्मक था यानी पुरुष प्रधान समाज, पेट्रियार्की जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है राजनीति, राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। रिलीजन, रिलीजन धर्म, रिलीजन के बारे में हमें क्या पता चला कि लोग जो है नेचर की पूजा करते थे, दूसरा गोडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे, दूसरा रिवर्थ में उन्हें यकीन था, री बर्थ पुनर्जन्म में यकीन था। ये सारे चीज हमें यहां पर मिलते हैं धर्म के आधार पर अगर हम लोग देखें तो। तो ये तो भाई हो गया टोटल कहानी स्टोनेज का सारा स्टोनेज क्लियर। अभी नहीं आएगा जाति मेरे भाई कुणाल, अभी सवर कर, क्यों जाति के पीछे इतना पड़े हुए हो, आएगा जाति कल के क्लास में, कल हम लोग धड़क मूवी भी देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, कल पूरा धड़क मूवी देखेंगे, यही रात 12 बजे, 11 बजे। अब है नेक्स्ट क्या अपना, उसे हम लोग बोलते हैं चाकोलिथिकेज, चाकोलिथिकेज मतलब ताम्र पाषाण काल, मतलब यहां पर तांबा और पाषाण दोनों का इस्तेमाल होगा, तांबा मतलब कोपर और पाषाण यानी स्टोन, इन दोनों को मिलाकर के एक एज बना, इसे हम लोग बोलते हैं चाकोलिथिक एज। इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इसमें कुछ है भी नहीं वैसा, बस इतना याद रख लेना तीन नाम चाकोलिथिक एज में। एक मिनट, इसमें मैं आपको तीन नाम बताऊंगा, बस वो तीन नाम याद रखना। पहला है आहार या बनास संस्कृति, दूसरा जो इसमें होगा एग्रीकल्चर का एविडेंस हड़प्पा से मिलता था ना सबसे पहले। अरे कैसे स्टोनेज में एग्रीकल्चर नहीं था क्या शिवानी, तुम भी ऐसा बात कर रही हो। दूसरा मिलता है मालवा का एविडेंस और तीसरा याद रखना जोरोवे, जोरोवे एक ही करके देखेंगे। पहले अपना आहार या बनास, ये कहां पर,
राजस्थान में। दूसरा है मालवा, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और तीसरा है जोरोवे, जो कि है MH यानी महाराष्ट्र में। जोरोवे में क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसके पैर को इस तरह से काट दिया जाता था, समझे बात, काट दिया जाता था। क्यों? लोगों में ऐसा मत था, विश्वास था कि मरने के बाद ये भूत बन जाएगा। रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:38 हो रहा है और हम लोग भूत का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यकीन लोगों का मत था कि ये भूत बन जाएगा और भूत बन करके सबको परेशान करेगा। तो जोरोवे में किसी भी एडल्ट के मरने के बाद उस एडल्ट का पैर काट दिया जाता था, तब दफनाया जाता था। मेनली स्टोन एज में दफनाने का कल्चर था, स्टोन एज में जलाने वाला नहीं था हिसाब, स्टोन एज में लोग दफनाया करते थे लोगों को, समझे बात सभी। अब बताना किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, किंतु परंतु कुछ भी अभी के आज की क्लास में।